आपको बता दें कि जेएनयू में बाबरी पर नारेबाजी हुई तो बीजेपी को अब हमले का नया मौका हाथ लग गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस में नई भर्तियों की तैयारी है। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। मंत्री जी, जेएनयू में एक बार फिर से कल नारे लगे हैं, कहा है बाबरी दोबारा बनाएंगे, इंसाफ अब लेना है, अन्याय हुआ है वहां पे, ये बातें कही गई हैं। ये क्या है कि कांग्रेस में नई भर्ती की तैयारी है। पहले उनने छीन के लेंगे आजादी के नारे लगाए तो कन्हैया कांग्रेस में आ गए। अब ये नई भर्ती की तैयारी होगी इसलिए इंसाफ मांग रहे हैं अयोध्या पर। वो न्यायालय का फैसला है, ये न्यायालय पे सवाल। मैं एक बात नहीं समझ पाया आज तक कि हर बार जेएनयू में ही भारत विरोधी, देश विरोधी, आस्था विरोधी, धर्म विरोधी नारे वहीं क्यों लगते। ये जेएनयू कभी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं लगाता है नारे, जहां पर अभी प्रियंता की 70-90% हड्डियां तोड़ दी, उस पाकिस्तान पे नहीं लगाए। केरल में चक्कुओं से गोंद के उसको मार दिया, पत्नी के साथ जा रहा था अनंत, लेकिन उस पर कभी नहीं आए जेएनयू में नारे। दिल्ली में चक्कुओं से गोंद के मार दिया, उस पर कभी नहीं आए। लेकिन जैसे ही भारत के आस्थाओं का प्रश्न आता है, बहुसंख्यकों की आस्था का प्रश्न आता है, जेएनयू प्रारंभ हो जाता है। 6 तारीख को नारे सिर्फ इसी कॉलेज में लगते हैं देश में, और कहीं नहीं लगते। ये सरकारी पैसे से जो जनता की गाड़ी कमाई से जो निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन चल रहा है, इस पर विचार करना चाहिए।